संडीला हरदोई थाना क्षेत्र कासिमपुर के संडीला गौसगंज मार्ग पर ग्राम निरुहा के पास रोडवेज यूपी 30 T8403 की जोरदार टक्कर से बाइक सवार तीन कांवरियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान सुभाष चंद्र पुत्र राजकुमार निवासी छावन थाना त्रौली व सर्वेश पुत्र राजकुमार ग्राम मोहदीनापुर थाना मल्लावा व विनोद पुत्र रामचंद्र निवासी महामन थाना संडीला की हुई है। इस जोरदार टक्कर से दो की मौके पर मौत हो गई, तीसरे युवक को ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अजीत वर्मा की रिपोर्ट, हरदोई। ग्राम पंचायत जिखन गांव में रहने वाले चिंतामन केवट की पत्नी रामवती केवट पिछले लगभग 6 वर्ष से गंभीर बीमारी से जूझ रही है। चिंतामन केवट ने अपनी पत्नी के इलाज के चलते जीवन भर की जमा पूंजी के साथ अपना घर, जमीन, खेती और पत्नी के जेवर तक बेच डाले और अब दाने दाने को मोहताज परिवार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। चिंतामन केवट की माने तो 2014 से 2019 तक ग्राम सरपंच से लेकर उसने टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के तमाम आला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से अपनी पत्नी के इलाज के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसको आज तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। शासन प्रशासन से लेकर राजनेताओं से भरोसा उठता देख चिंतामन केवट का कहना है, साहब अगर हमारी मदद नहीं हो सकती तो कम से कम मौत ही दे दो हमें। हालांकि अब जब पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद ग्राम सरपंच प्रतिनिधि झल्ले कुशवाहा से बात की गई, तो सरपंच ने भी माना कि चिंतामन केवट का परिवार पिछले कई वर्षों से बेहद दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। उसकी पत्नी को गंभीर बीमारी के चलते हालत बेहद नाजुक है और आला अधिकारियों से बात कर चिंतामन केवट के परिवार को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शाहीन निसा सिद्दीकी की रिपोर्ट, टीकमगढ़। ग्राम सभा सोनिकपुर, जहां पर प्रधान अपनी तरफ से जनता के लिए आवास शौचालय बनवा रहे हैं, वहीं पर प्रधान के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं ब्लॉक के अधिकारी दीपू वर्मा व कंप्यूटर ऑपरेटर, मिलकर के धादली गर्दी पर उतारू। जहां पर कागज पर देखा जाए मनरेगा के तहत लाखों का घोटाला दीपू वर्मा व कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर के कर रहे हैं, दोनों लोग लाखों घोटाला कर रहे हैं। जी हम बताते चले, यह बात है ब्लॉक भरावन की। प्रधान जी ने अपने हाथों से साइन कहीं पर नहीं किया, लेकिन नरेगा का पैसा फर्जी निकालने की साजिश की। प्रधान जी ने कागज मीडिया के थ्रू दिखाया, जहां प्रदीप वर्मा मौके पर मुकर गए। वीडियो की साजिश से हो रहा है भ्रष्टाचार। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम पप्पू पांडे। पप्पू पांडे, आप प्रधान है सर? प्रधान प्रतिनिधि? प्रधान ही। क्या हुआ है आपके साथ में? महिला है बेचारी, उनको बेवकूफ इस कदर से बनाया गया कि गांव सभा में आवास किए गए, आवासों में अच्छा खासा पैसा भी लिया गया, 20,000 रुपये प्रति आवास वसूली की गई और वो इस हिसाब से किया गया कि एक एक घर में, केवल एक घर में जो एक ही भाई सगे भाई भाई को 5-5 आवास एक एक घर में किए गए, और जबकि वह पात्र भी थे, उनका पक्का बना भी था और जो कच्चे बेचारे गरीब थे उनका कच्चा बना था, उनका सूची में नाम भी था, उनको आवास अभी तक मिल नहीं पाए, नहीं दे गए। सर अभी आप नरेगा की कुछ बात कर रहे थे, आपके साथ में कौन गड़बड़ी कर रहा है? मैं नरेगा में दीप वर्मा जो किए हैं यहाँ का, बिना हमने बताए, बिना सेक्रेटरी के बताए मास्टर रूम जारी कर दिया, काम हो रहा, काम हुआ नहीं, पैसा निकल रहा मेरा, काम हुआ नहीं, काम अगर 100-200 रुपए का करा दिया, 400-500 रुपए का किसी ना सर, उस पे सेक्रेटरी के साइन है ना प्रधान के साइन? हाँ किसी के नहीं, आप मास्टर रूम देखे? जी जी। अब उस पे करवाना चाह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि उस पे साइन कर दीजिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे, कैसे पेमेंट हो जाए, ये पेमेंट हो जाए फिर अब से नहीं होगा, ये कई बार कर चुके हैं। तो ये सर फर्जी सारा काम करवा रहे हैं? सारा काम फर्जी होता है, मतलब फर्जी मोहरे लगा करके, फर्जी हस्ताक्षर करके, सेक्रेटरी को ओपन करके, बड़ा सेक्रेटरी ने ये हस्ताक्षर किए, प्रधान की ये मोहर है, सब अपने आप बना करके पैसा बराबर निकलता रहता है, क्योंकि हम थोड़ा चूपे थोड़ी बेचारी भूखबद्ध हैं, जो प्रधान हैं उन्होंने हमको जब लगाया, हम देखने लगे तब मैंने देखा ये भ्रष्टाचार, 29 आवास सीधे डबल किए गए, जो पूर्व प्रधान है उसके ही परिवार का पंचायत मित्र है, जी जी, तो वो उसने पूरी गड़बड़ी फैलाई, उसके खिलाफ
पूरे आर्डर हो चुके हैं डीएम का, डीएम ने डायरेक्शन किया है सीडीओ को, और सीडीओ साहब ने डीसी मनरेगा को किया है, डीसी मनरेगा ने आर्डर कर दिया, इसको बाहर कर दिया, क्योंकि बीडीओ साहब दबाव में अभी आख्या नहीं दी है, आज तक आख्या नहीं दिया, अभी भेजी नहीं है बीडीओ साहब ने। हाँ, बीडीओ साहब ने उसको हटा करके नोटिस दे दीजिए आदमी, देखना प्रस्ताव हो गया है, मीटिंग करके नौ सभा की बैठक बुलाई गई, उसमें उसको निकाला गया, सत्संबर से बात किया गया आगे, वो काम ही नहीं करता, मैंने कहा चुप्पे चोरी से करता, इसी तरीके से मोहरे मोहरे लगा करके सीधे पेमेंट होता रहता, काम नहीं हुआ तभी पेमेंट हो रहा ये काम। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए परीक्षित सिंह के साथ आरके सिंह की रिपोर्ट, हरदोई। पूरनपुर के गांव मटेना कॉलोनी 4 नंबर में लोग अपने धान की रोपाई कर रहे कि अचानक जंगल से शेर आ गया और उन लोगों पर तेजी से झपटा और 9 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन वन विभाग के अफसर कुछ नहीं सोचते, इंसानों की जान का कोई मोल नहीं है, और आते हैं तसल्ली बनाते हैं चले जाते हैं, और शेर आवारा घूम रहा है। वन विभाग वालों को फोन किया तब भी उसे पकड़ने नहीं आए, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट, पीलीभीत। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, एक किसान को बिजली का करंट लगने से उसने दम तोड़ा, साथ ही 2 बच्चे घायल और बच्चों का इलाज महुआन के निजी अस्पताल में चल रहा है। थाना बलदेव क्षेत्र के ततरोता पंचायत के ग्राम में घड़ी गोवर्धन में बिजली का तार किसान के ऊपर गिरने से किसान की मौत हो गई, और चितर सिंह उर्फ छत्रिया सन ऑफ बसु करीब शाम को 5 बजे अपने खेत पर काम कर रहे थे, उसी दौरान बिजली का तार टूटने से उनकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान के अनुसार धन्ना व अंकित की उम्र 8 से 9 वर्ष बताई जा रही है, उनका इलाज में चल रहा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है, और उन्हें गांव के लोग आगरा 2-3 प्राइवेट अस्पतालों में लेकर गए, उसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान द्वारा बताया जा रहा है कि छितरिया की बीवी पहले ही खत्म हो गई थी, विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आज छितरिया ने भी दम तोड़ दिया। प्रधान जी, आपकी पंचायत में कोई हादसा हो गया, वो क्या हादसा हुआ है? हमारी पंचायत में ग्राम सभा ततरोता के मजरा गढ़ी गोवर्धन में आज करीब 5 बजे छितर सिंह उर्फ छितरिया सनो बसु और उम्र जिसकी करीब 45 वर्ष, बड़ा ही गरीब किसान था, बिजली से उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी उसे गांव के लोग तत्काल लेके आगरा गए, 2-3 हॉस्पिटलों में लेके गए और वहां उनको मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और फिर उसे लेके आगरा SN मेडिकल कॉलेज गए, अभी वहां से बताया है कि वो जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो उन्हें लेके वापस आ रहे हैं। और एक इनकी मृत्यु हो चुकी है, इनके साथ में 2 बच्चे और थे, एक का नाम धन्ना था, एक का नाम अंकित था, जिनकी उम्र करीब 8 और 9 वर्ष थी, उनको फरे के पास में महुवन के आसपास कहीं कोई हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ, बड़ा ही गरीब, बड़ा छोटा किसान था, और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी उसकी बहुत पहले, कई वर्ष पहले पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो ये बड़ा ही दुखद घटना हुई, हमारे लिए बड़ा बेचैनी का विषय बन गया, हम लोग बड़ा परेशानी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से ये जो घटना हुई है, और इसके बारे में अभी हम लोग आए हैं तो हम जानकारी कर रहे हैं लोगों से कि क्या स्थिति बनी जिससे उसकी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु के पीछे का कारण बिजली बताया जा रहा है कि बिजली से उसकी मृत्यु हुई है। अभी घटना के बारे में पता नहीं चला, पूरी तरह से हम लोग जानकारी करने में जुटे हैं कि क्या स्थिति हुई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। डोडरपुर विकास खंड के ग्राम तारागांव से धनवार मार्ग बिल्कुल तालाब बन गया है। जिला पंचायत सदस्य के द्वारा धनवार से तारागांव मार्ग पर खड़ंजा का निर्माण कराया गया है, लेकिन तारागांव से धनवार मार्ग पर लगभग 350 मीटर खड़ंजा का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे तारागांव के ग्राम वासियों, राहगीरों एवं विद्यार्थियों एवं श्री ब्रह्मदेव के पूजन करने के लिए जाने वाले लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग बिल्कुल पानी से भरा हुआ है और लगभग उसमें 5 फीट से अधिक गड्ढे हैं। ग्राम निवासी रामपाल, राम लखन सिंह, जोरावर, जितेंद्र, मोहित एवं कई लोगों का कहना है कि इस मार्ग को बनवाने के लिए शासन प्रशासन ने अधिकारियों से कहा, लेकिन किसी ने इस पर सुनवाई नहीं की। एक तरफ सरकार सड़कों को गड्ढे मुक्त करने का वादा कर रही है, लेकिन तारागांव के निवासियों कोई हालत देखने के लिए तैयार नहीं है। वहां के लोगों ने बताया कि 2 बार धनवार से तारागांव मार्ग पर खड़ंजे का निर्माण हो चुका है, लेकिन तारागांव तक अभी भी खड़ंजे का निर्माण संभव नहीं हो सका। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई।
कई दिनों के बाद हुई बारिश में दो लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई। और जहां एक तरफ कई दिनों के बाद हुई बारिश से किसानों की आंखों में चमक आई, वहीं बिजली गिरने से गम का माहौल भी सामने आया। यह मामला तहसील लालगंज सरेनी थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी खेड़ा में नाले के पास भैंस चरा रहे रामविलास पुत्र देवता दीन 42 वर्ष की बिजली गिरने से मौत हो गई। तो वहीं सरेनी क्षेत्र ही पूरे अहिरन मजरी राम खेड़ा में धान के खेत में काम कर रहे जागेश्वर पुत्र द्वारिका प्रसाद की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। दोनों के घर में मातम पसरा है। दोनों के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही दो दिन पूर्व लालगंज तहसील के अंतर्गत ही दो घटनाएं और आकाशीय बिजली गिरने से घट चुकी हैं, जिसमें चिरई का पूर्वा मजरी सेम्बसी की 55 वर्षीय महिला बुतना पत्नी लक्ष्मी शंकर खेतों में गाय चरा रही थी, आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गई। इसी प्रकार ग्राम सातनपुर रामहर्ष की पुत्री विनीता सिंह आयु लगभग 13 वर्ष जो अपने घर की छत पर कार्य कर रही थी, आकाशीय बिजली गिरने से जलकर घायल हो गई थी। प्रभारी मंत्री नंदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जनों के सुख दुख में साथ है। प्रभारी मंत्री जिला अस्पताल भी गए। दो घायल जो अस्पताल में भर्ती है उन्हें देखा तथा कुशल क्षेम पूछा व उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके सिंह, सीएमएस एनके श्रीवास्तव, एसडीएम शशांक त्रिपाठी, सीओ गोपीनाथ सोनी, सिटी मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडे, एडी सूचना प्रमोद कुमार आदि अधिकारियों को साथ बैठक की तथा सीएमओ व सीएमएस को निर्देश दिए कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। ये भाई साहब, ये कब की घटना है? 7 बजे की। ये क्या कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ गांव फोन से जानवर चरा रहे। जी, जानवर चरा रहे। और कोई साथ था? और कोई नहीं था, पहले आगे ले गए बाकी सब लोग। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। 23 जुलाई 2019 दिन मंगलवार को स्थान श्री पंचायती मंदिर रामलीला मैदान मनकापुर में विश्व हिंदू परिषद की जिला योजना बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री माननीय भूपेंद्र जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोविंद साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष कसोधन ने किया। संचालन जिला मंत्री अंबिकेश्वर एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल धारण करा करके दीक्षित कर राष्ट्रवाद धर्म का संकल्प दिलाया गया। मुख्य अतिथि माननीय भूपेंद्र जी ने सीमित विस्तार कार्यकर्ता निर्माण वर्तमान समस्या लव जिहाद धर्मांतर गौ हत्या रोकने के लिए सदैव हिंदू समाज तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर प्रमुख अनिल पांडे जी, विभाग कार्यालय कमलेश पांडे जी, नीलम पाठक, जिले के पदाधिकारी रामचंद्र जायसवाल, विजय प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार पटवा, संतोष मौर्य, बब्बन मौर्य, शशिकांत जी, भगवती सिंह, विजय श्रीवास्तव, दिनेश शर्मा, लक्ष्मी सिंह, संगीता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मनकापुर गोंडा। हमीरपुर जिले के कस्बा मौनाहा के मदरसा यादगार मोहम्मदी हुसैनी व एमएच कॉन्वेंट में पानिया मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी के संस्थापक हाफिज शाह आलम की याद में 14 हाफिज शाह आलम डे मनाया गया, जिसकी जानकारी मदरसा यादगार मोहम्मद के प्रधानाचार्य जनाब नसीम आलम साहब व उप प्रधानाचार्य मोहम्मद मास्टर साहब ने हाफिज शाह आलम साहब के बारे में बच्चों को जानकारी दी। हाफिज शाह आलम साहब का इंतकाल 23 जुलाई 2005 में हो गया था। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे हाफिज शाह आलम साहब ने कड़ी मेहनत करके इस मदरसे की नींव रखी, जो कि आज उन्हीं की मेहनत का सिला है कि मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी आज इस मुकाम पर है। उन्हीं की याद में मदरसा यादगार मोहम्मद हुसैनी में हाफिज शाह आलम डे आयोजन किया गया, जिसमें सुबह के बाद नमाज फजर मदरसे में कुरान खानी का इंतजाम किया गया और शाम को उन्हीं के घर में फतिहा का इंतजाम किया गया। मदरसे के गेम टीचर फरीद अहमद साहब ने बच्चों को बताया कि हाफिज शाह आलम डे के मौके पर कल से हाफिज शाह आलम क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरीदुद्दीन उर्फ पप्पू चेयरमैन के हाथों से क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं थम रहा है राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार। वसूली जाती है निर्धारित मूल्य से अधिक की राशि। ऐसी सरकारी राशन दुकानों को सिस्टम के चलते ना तो अधिकारियों को खौफ है सरकार का, और सरकार किसी की भी हो इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के ब्लॉक मुस्करा के अंतर्गत ग्राम खड़े ही लोधन का है, जहां सरकारी राशन की दुकान के दुकानदार नाथूराम राजपूत है, जिन्होंने जुलाई माह 2019 की दिनांक 10 जुलाई को पूरे ग्राम सूचना कर सभी राशन धारकों
को बुलाकर नियमों को ताक में रखकर फिंगरप्रिंट मशीन और राशन वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर व अंगूठे लगवा दिए। परंतु कमाल की बात देखिए, आज दिनांक 24 जुलाई 2019 तक किसी भी राशन कार्ड धारक को राशन वितरित नहीं किया गया। विभाग में साठ गांठ के चलते ग्राम खड़े ही लोधन के अपात्रों के बीपीएल के राशन कार्ड बनवाने के एवज में 2000 रुपए भी राशन कार्ड कोटेदार नाथू राम द्वारा वसूले गए और एपीएल परिवारों को भी बीपीएल के राशन कार्ड बना दिए। तो वहीं बीपीएल परिवारों के लाल रंग के राशन कार्ड की जगह एपीएल का राशन कार्ड दिया गया। इतना ही नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर 3-3 माह का राशन गुम कर दिया गया है। जब हमारी टीम जिला आपूर्ति अधिकारी हमीरपुर के पास उक्त गाँव की समस्या को लेकर पहुँची तो मीडिया को बाइट देने के अधिकार न होने का हवाला देते हुए अति शीघ्र जाँच करा कर उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है दादाजी? अच्छा, आपका राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड सफेद बना रहा हुआ। कौन सा बनना चाहिए आपका? मेरा लाल ही रहा था। अच्छा, अभी आप आरोप लगा रहे थे कि आप पात्रों के लाल बना दिए, जिनके नहीं बनने चाहिए उनके लाल बना दिए। सही बात है, ये बात सही है। तो कम से कम साहब पर लाल बनूंगा, 15-20 और 2000 लगेगा जो ठेका चल रहा उनसे बना दे। मेरा क्या है, फिर एक ये ना एक हसी का नाना है, ये सब काम किए। हाँ, बताओ क्या समस्या आप लोगों की? पिछले महीने में आपको मिलता रहा? आपकी क्या समस्या है? हमें कह रहे तुम्हारा नाम नहीं है, हमें कागज निकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवकली, ग्राम खड़ी लोधन की देने वाली। राशन तो हर बार दिया लेकिन पर्ची कटवा दिए, राशन नहीं दिया। अब देंगे लेकिन अब ये नहीं है कि कब तक देंगे। राशन तो दे रहे, हर महीना दे रहे, लेकिन ये है कि शान करवा ली, ये पर्ची दे दिए, अब राशन नहीं दिया। कितने दिन हो गए पर्ची कटाई? पर्ची काटने की कम से कम 7 तारीख। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड।